स्मालखा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनमोहन भड़ाना की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। स्मालखा विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और प्यार उनको खूब मिल रहा है। तमाम लोगों की जुबान पर बस एक ही नाम है कि इस बार स्मालखा विधानसभा से मनमोहन भड़ाना ही कमल खिलाएंगे। जब जब इस बारे में आम लोगों की राय शुमारी ली जाती है तो वह एक मत से कहते हैं कि इस बार मनमोहन भड़ाना ही एक तरफा जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ उनकी धर्मपत्नी परमजीत भड़ाना लगातार स्मालखा विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही हैं और महिलाओं से मिल रही हैं, उनका हाल चाल भी पूछ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा से संबंधित महिलाओं का जागरूक होने के विषय को वह लेकर रहती हैं कि गांव में अभी भी शिक्षा बहुत अनिवार्य है, क्योंकि गांव में ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको नहीं पता कि उनके क्षेत्र का विधायक कौन है। लगातार क्षेत्र में वह दोनों को लेकर यह भी कहती नजर आ रही हैं कि लगातार मनमोहन भड़ाना को जनता का प्यार मिल रहा है। अब की बार जनता के आशीर्वाद से वह यहाँ से जीत कर विधानसभा पहुंचेंगे। हम बीजेपी से वोट देंगे जी, पर आज हम बीजेपी से वोट दे दीजिए, हमने पक्का बनाना मनाने से। हाँ जी पक्का जी। रणवीर भाई, मेरा नाम सोमदत्त है, माटा गांव से हूँ और संभाल के मैं हमने आपकी बार कमल का फूल खिला दिया है। बस मोहर लगनी बाकी है 5 तारीख को, वो भी काम पूरा कर देंगे। मेरा नाम सोमदत्त है और माटा जीत है, मनमोहन भड़ाना की एक तरफा जीत है, 50,000 से जीत है कम से कम। क्या नाम है? वेद प्रकाश भड़ाना का जीता था। इनके कंपनी का लगनी जो जीता बढ़िया, कुछ काम भी करेगा, बहुत काम करे ज्यादा काम। विधानसभा में मौज हो रही भाई, कति बिल्कुल भड़ाना मनमोहन भड़ाना काफी वर्षों से बढ़ेगा। काफी वोटों से जीतेगी पठाना, जीतेगा यहाँ से। लग रहा है गांव में आप जा रहे हैं जिस तरीके से संभाल करके क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन बहुत सा इलिटरेट क्षेत्र है, विकास नहीं हुए 5 साल जो है, आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ तस्वीर देख रहे हैं? देखिए जैसे जैसे मैं गाँव में जा रही हूँ, डोर टू डोर कंपेनिंग कर रही हूँ, ये बात बिल्कुल सच है कि महिलाएं घर से बाहर निकली ही नहीं है। मैं कितने गांव में गई हूँ जहाँ महिलाओं को यही नहीं पता कि उनका विधायक कौन है, और वो ये कह रही हैं कि हम इतने परेशान हैं, ना तो यहाँ सड़कें हैं, ना यहाँ बिजली है, शिक्षा भी नहीं है। तो मेन हमारा मोटिव जो है वो उन तक पहुँचना है और उनकी समस्याओं को सुनना है। तो महिलाएँ पूरी उत्साहित हैं, 100% वोट वो मनमोहन भड़ाना जी को देने जा रही हैं और लोग बहुत उत्साहित है। इस बार ये इलेक्शन मनमोहन भड़ाना जी नहीं, यहाँ की जनता लड़ रही है। चैनल के माध्यम से कुछ अपील करना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि 5 तारीख को कमल के फूल पे वोट डालना है और अपने भाई अपने बेटे मनमोहन भड़ाना जी को विजयी बनाना है। भारतीय जनता पार्टी, अपना परिचय दे दीजिए। है परमजीत भड़ाना, उनकी वाइफ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।